ओहो रॉकेट। हाय एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गिविंग अ ड्राइविंग रिव्यू ऑफ एनी कार एंड दिस इज फोक्सवैगन टाइगून जीटी प्लस 1.5 टीएसआई, यानी एकदम टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट आता ऑटोमेटिक, ये वो है। ये गाड़ी की है, ऐसे कुछ आते पीछे फोक्सवैगन का लोगो है और लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉक करने का। आई विल टेल यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कार। अब दिस इज फोक्सवैगन टाइगून, नाम मैंने बता दिया। नाउ जीटी टीएसआई, जीटी इज ग्रैंड टूरिज्म। ये बेसिकली फोक्सवैगन की उन गाड़ियों के लिए यूज़ होता है जो कि हाई परफॉर्मेंस कार्स होती हैं, जिनमें पावर बूस्टेड रहती हैं। जीटी उनके लिए जो है फोक्सवैगन यूज़ करती है। नाउ टीएसआई स्टैंड्स फॉर टर्बोचार्ज स्ट्रेटिफाइड इंजन, यानी कि जो कि फोर सिलेंडर इन लाइन होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। फोक्सवैगन ने बेसिकली उनको अपना एक नाम दे रखा है। अब इस गाड़ी के पावर फिगर्स बहुत अच्छे हैं। ये गाड़ी देती है 148 bhp, टॉर्क इज 250 न्यूटन मीटर। अब फोक्सवैगन जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो है गाड़ी की क्वालिटी, इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी, हर एक चीज़। दिस इज़ द ओनली कार ऑफ इंडिया दैट कम्स विद 5-star सेफ्टी रेटिंग इन चाइल्ड सेफ्टी 2। दिस इज़ GT यहाँ पे लिखा हुआ है। और गाड़ी के बारे में बाकी चीज़ें बात करते हैं, मैं बूट से शुरू करता हूँ। पीछे गाड़ी के एंटीना है, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप है, वाइपर है, फोक्सवैगन का लोगो है, यहाँ पे टाइगून एंड GT लिखा हुआ है। और ये अविनाश जी की गाड़ी है जिनको मैं ड्राइविंग आजकल सिखा रहा हूँ, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर है, वो देख लेना। यहाँ पे ये छोटा मोटा आपको मान लो कुछ सामान रखना है इसके ऊपर, यहाँ पे बाकी लगेज आपको रखना है। और चलो मैं बूट भी दिखा देता हूँ, सॉरी स्पेयर टायर। इसमें स्पेयर टायर है गुडियर का 205/55R16, 1 inch छोटा है बाकी टायर्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, मतलब कोई हुक, एक लाइट है यहाँ पे, और ये वाले हुक है जिनको आप निकाल भी सकते हो। ये इसको नीचे, मेरे ख्याल से तो यही है कि इसको पुल करके नीचे ला सकते हो, हैंडल की बजाय यही दिया है। पीछे कैमरा। नाउ विल डिस्कस द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस अमेजिंग कार। ऐसे ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स, टायर सेक्शन इज 205/55R17, स्पेयर टायर है, 1 inch छोटा है, और बाकी ऐसा है GT यहाँ पे बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है, ORVM बॉडी कलर्ड है, और चारों डोर हैंडल में ये क्रोम ट्रीटमेंट है। तो चलो रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे तो हमने देख लिया, दूसरी साइड भी देखते हैं। मोस्टली गाड़ियों में कंपनीज दो ही देती हैं, लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पर भी है। यस ग्रेट, यहाँ पर भी है। गाड़ी में 3 पार्किंग सेंसर आते हैं, Note 4, Note 2, 1, 2, 3। ओके, रूफ रेल हैं, फंक्शनल हैं ऑब्वियसली, जैसा हमें दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्टर्डी हैं। चलो अब गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं। गाड़ी का कलर बहुत शानदार है, मैं इसका नाम मेंशन कर दूंगा, अभी मुझे पता नहीं है। और दरवाजे में ऐसा है, बेज एंड ब्लैक है, चारों पार विंडोज़ हैं, ये आपका जो है मिरर कंट्रोल है, यहाँ पे ये सिल्वर गार्निश है, मतलब इनके ग्रैब हैंडल में, यहीं से आप लॉक अनलॉक, जैसे फोर्ड की गाड़ियों में थोड़ा इधर ही आता है। एंड दिस इज़ इंटीरियर, यहाँ पे लेदर नहीं है। सीट्स के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ये लगा, वाइडर उतनी नहीं है सीट, अगर सामने से भी देखोगे तो। चलो मैं एक्चुअल विदाउट एनी वाइड एंगल कर देता हूँ, ये आप पता नहीं ढंग से व्यू आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सीट्स उतनी वाइड नहीं है जितना एक सपोर्ट देना चाहिए, उतनी नहीं है। मतलब एक हेल्दी इंसान को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। एसी वेंट्स हो गई है, फोक्स वगैरह, अब लोगो मेरे ख्याल से थोड़ा सा चेंज हुआ है, ओवरऑल वही है लेकिन थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो गया। चलो नाउ अब गाड़ी के इंटीरियर के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। कैमरा लगाया हुआ, क्योंकि थोड़ी देर में गाड़ी का ड्राइविंग रिव्यू भी आएगा। और स्टेयरिंग कैसा है, फुल्ली डिजिटल है, स्पीडोमीटर ये देखो, पानी जैसी आवाज़ आई जैसे कूलेंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है। स्टेयरिंग के बारे में ऐसा है, क्रूज़ का यहाँ पे लेफ्ट में है, जैसे बाकी जर्मन कार्स में भी थोड़ा उल्टा है कि इसमें लाइट्स का इधर है, इंडिकेटर का इधर, और बाकी जो है वो वाइपर का उधर आता है। तो ये भी थोड़ा उल्टा है कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल इधर है और बाकी जो चीज़ें हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, वॉल्यूम और आपका गाना आगे पीछे करने के लिए, वो इधर है। और ये अपना पोंपो, यहाँ पे इन कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लाइट का, ये बेसिकली ऑटो पे करना है आपको, मान लो लो बीम करना है, हाई बीम करना है, और ये अपना हेडलाइट बीम लेवलर, यहाँ पे एक बोतल होल्डर है, स्पेस अच्छा खासा है वैसे तो, स्पीकर यहाँ पे है, नॉट श्योर अबाउट द स्पीकर्स ब्रांड। इधर अगर जाएंगे तो गाड़ी की टच स्क्रीन मुझे बहुत ही सुंदर लगी, जब मैं गाड़ी को मान लो 4-5 दिन से मैं डेली बैठ रहा हूँ, अविनाश मिश्रा जी की गाड़ी है जिनके साथ, उनको सिखा रहा हूँ, मुझे बेहद शानदार लगती है। अगर मैं गाड़ी का रिवर्स गियर लगाऊँ तो क्वालिटी इसमें ऐसी है। नाउ इट्स अप टू यू, और मैं देख लेता हूँ कि ये गाइड करती है कि नहीं करती है। चलो थोड़ा सा चला के देखते हैं, नहीं मूवेबल गाइडलाइंस नहीं है, अडेप्टिव नहीं है मतलब, ओके। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे दो टाइप सी
पोर्ट आते हैं, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का फीचर है, यहाँ पे 12 वोल्ट का लगा सकते हैं, आपका पुश बटन इग्निशन यहाँ पर आता है, और ये इधर कार्बन फाइबर फिनिश है अगर ये देखोगे तो, ग्लव बॉक्स, बट लेट मी चेक इफ दिस इज द कूल्ड वन, सामान काफ़ी ज़्यादा है तो नॉट श्योर, नहीं दिस इज नॉट कूल्ड, ये कूल्ड नहीं है, बाकी अगर गलती हो जाए तो हम सॉरी बता देना, किसी को पता हो तो। सेम ट्रीटमेंट, सीट वही है, थोड़ा सा शिकायत मुझे बस यही था कि विड्थ थोड़ी सी कम है, और इधर आपके पास एक सनरूफ, मूनरूफ कुछ भी कह लो, ये देखा इनमें से भी लाइट आती है और इन्हें आप पीछे कर सकते हो। अब ये मुझे बेहद शानदार लगा, गाड़ी का जो IRVM है इसकी शेप मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम बॉर्डर तक है, मतलब बॉर्डर ये कम है जैसे फ़ोन में रहता है, तो बहुत स्लीक है, बहुत अच्छा, मुझे तो एटलीस्ट बहुत ही अच्छा लगा। डैशबोर्ड आपको तो पता ही है Volkswagen की गाड़ियों के कैसे होते हैं, देख रहे हो ये थोड़ा सा लूज है, बाकी दर्द कर गए मेरे नक्कल, नाजुक उंगलियाँ। और पीछे देख लो, तीन हेड रेस्टेंट्स आते हैं, बीच में आर्मरेस्ट है, यहाँ पे आर्मरेस्ट है, और दिस इज स्लाइडेबल फीचर के साथ ये खुल जाता है, स्पेस अच्छा खासा है गाड़ी में। यहाँ पे दो कप होल्डर हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ हो गया, ये हैंड ब्रेक अपना मैनुअल, और ट्विटर्स ए पिलर में है गाड़ी के, ए पिलर बहुत थिन है, स्टिल गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है। विंडशील्ड जब हम गाड़ी ड्राइव करेंगे तब मैं आपको गाड़ी के बारे में बताऊंगा। सनवाइजर जो है यहाँ पे, लाइट तो नहीं है, मिरर है खाली, और ये थोड़ा हिलता है, और यहाँ पे मिरर भी नहीं है, लाइट कुछ भी नहीं है, तो एक आधी चीज़ें मिसिंग है, ये LED में लाइट है, और ये सनरूफ थोड़ा हो जाएगा, नहीं जाएगा, बंद करते हैं। और आई गेस इट कम्स विद 6 एयरबैग्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 6 एयरबैग्स गाड़ी में होने चाहिए। इंटीरियर गाड़ी का बहुत ही प्रीमियम है, मुझे तो बहुत पसंद आया। यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करने के लिए है, ये हजार्ड लैंप यहाँ पे। चलो अब पीछे का भी देख लो, ऐसा कुछ स्पेस है गाड़ी में, ये एसेसरी भी उन्होंने सारी वहीं से ली है, और मैं पीछे बैठकर अब आपको दिखा देता हूँ। AC वेंट्स हो गए, टाइप सी दो, फास्ट चार्जिंग के दो यहाँ पे पोर्ट हैं, फ़ोन रखने की ऐसे कुछ जगह नहीं है, और इनका फ्लो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ना शट कर सकते, हाँ शट हो रहा है, ये वाला हो रहा है, मतलब ये दोनों हो रहे हैं, लेकिन फ्लो कम ज़्यादा वैसे नहीं कर सकते। कोई सीट कवर सर ने अभी तक नहीं लगवाए हैं, एडजस्टेबल हैं तीनों ही एडजस्टेबल हो गए, और उसके बाद ये हैंडल, ये बहुत नीटली फिट है, ये देखो कोई बाहर नहीं है, जगह बनी हुई है, इसके अंदर फिट करते हैं बहुत ईजिली, और यहाँ पे भी गाड़ी में लाइट है, ये यहाँ पर भी। चलो इंजन पे देख लो गाड़ी की, नीटली फिटेड कोई भी पार्ट ऐसा नहीं दिखाई देगा, खाली कूलेंट आपको दिख रहा है, ब्रेक फ्लूड रिजर्वायर आपको दिखाई दे रहा है, बैटरी एकदम नीटली फिटेड है, सारे ब्लैक पार्ट्स, मुझे ऐसा इंजन बे बहुत पसंद आता है। देख लो कहीं कोई लूज वायर आपको जो एग्जॉस्ट जो लगभग मारुति की गाड़ियों में दिखाई देते हैं, खुले पड़े रहते हैं, जंग लग जाता है, गंदे दिखते हैं, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से फिट किया गया है। चलो अब लाइट्स का बता दिया जाए, थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, इग्नोर दैट। इंडिकेटर के लिए स्ट्रिप है, DRL ऊपर है, LED प्रोजेक्टर है, फोग लैम्प इसका अभी मैं दिखाऊंगा, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, GT यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिकेटर यहाँ भी है, और एक आप चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, लाइट्स एक्चुअली इसके यहाँ से ऑन होते हैं, हो गए, अब इसको अगर आप पुल करते हो यहाँ पे आता है अटेंशन द इंजन इज़ रनिंग, आपको वापस दिखाता हूँ, जैसे ही आप इसको पुल करेंगे द इंजन इज़ रनिंग, लेकिन दिस इज़ फॉर फॉग लैम्प ओनली। अब मुझे नहीं पता इसको क्या प्रॉब्लम है इसमें, और ये हैलोजन में है बाय द वे, ये चीज़ सही है कि हैलोजन में है, फॉग में हेल्प मिलेगी। चलो अब गाड़ी ड्राइव करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ द ड्राइविंग रिव्यू ऑफ दिस कार। चाबी जो है गाड़ी की वो यहाँ रखने के लिए अलग से जगह है, अब सीट बेल्ट लगाते हैं, और गाड़ी में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट है, सीट हाइट एडजस्टमेंट है, अविनाश जी ने अपने हिसाब से करवी थी, सर आप बाद में सेट कर लेना, मैंने हाइट एकदम नीचे कर दी है क्योंकि आपने ऊपर की हुई थी, मेरे हिसाब से नहीं थी। तो अभी देखो ऐसा है कि गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी हैं, 7-speed DCT एंड इट कम्स विद अ स्पोर्ट्स मोड टू। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा गाड़ी में दिक्कत ही हुई कि मुझे इनकी आदत नहीं थी ये इंडिकेटर ऐसे वाले। अब एक चीज सुनना, क्या गजब का एक्सेलरेशन है, 148 BHP कम नहीं होती है, 250 NM का टॉर्क है गाड़ी में, पेट्रोल होने के बावजूद गाड़ी का टॉर्क कितना है,
डीजल इंजन से भी ज्यादा तगड़ा बूस्ट आ रहा है, तो फोक्सवैगन के इंजन यार कमाल, एक नंबर। ब्रेक्स भी अभी तक अच्छे हैं, हालांकि मैं खींच कर नहीं मार पाऊंगा भाई, ये नए ड्राइवर के बस की गाड़ी नहीं है, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। आई विश आई विल हैव अ फोक्सवैगन कार, आई मीन और अ जर्मन कार इन माय गैराज, कभी तो रखेंगे। दिस इज प्योर परफॉर्मेंस कार, GT सीरीज इसीलिए बनाई गई है। मतलब इनका स्टेयरिंग फीडबैक इतना ज़बरदस्त रहता है ना, और ओवरऑल गाड़ी का कंट्रोल, कितनी ही स्पीड पर गाड़ी को घुमा लो इट डजेंट गो आउट ऑफ योर कंट्रोल। यहाँ पे यू टर्न ले लेते हैं, चलो स्टेयरिंग रोटेशन भी देख लेंगे। तो पहुंच भी गई, 80 वाले ब्रेक तो यहां भी लगा के देख सकते थे, लेकिन नो यार, गजब गजब, क्या ही बात। इस गाड़ी में हल्की सी प्रॉब्लम मुझे ये लगी, दरवाजे गाड़ी के बहुत ही हैवी हैं, थर्ड है पूरा प्रॉपर है, लेकिन जब दरवाजे बंद करते हैं ना तो एक आध बार नहीं होते हैं बंद। इसके पीछे शायद एक लॉजिक ये हो सकता है कि जब हमें हैवी दरवाजे फील होते हैं ना गाड़ी के, तो हम एकदम हल्के छोड़ देते हैं बंद करने के लिए, चलो हैवी है ये तो हो ही जाएगा, और उस चक्कर में वो नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैंने दोनों साइड के बंद करके देखे हैं, थोड़ी सी दिक्कत है। और कंपनी इस गाड़ी की माइलेज क्लेम करती है 17 point something, लेकिन ये ओनर को अभी दे रही है फिलहाल 10-12 की। एक तो नए ड्राइवर हैं, प्लस उनका ट्रैफिक में चलना रहता है, और गाड़ी में 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 385 का बूट स्पेस है। ओहो रॉकेट 81, क्या रे गजब। आई नीड दिस कार इन माई गैराज, एलिगेंट इंटीरियर, बहुत ही फ्लैशी डिजाइनदार एकदम यार, क्या फील, बैठने में फील आ रहा है। मैं तो लीन हूँ, मेरी कमर सही फिट हो रही है गाड़ी में, लेकिन अगर कोई हेल्दी रहेगा तो नहीं बैठ पाएगा एकदम कम्फर्टेबली, क्योंकि सीट्स की विड्थ तो मेरे हिसाब से थोड़े सी कम है। सस्पेंशन वगैरह मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ गाड़ी के, क्योंकि नहीं लेके जा रहे हैं खराब रास्तों में। ओवरऑल पिकअप गाड़ी में कोई, जैसे NVH लेवल होते हैं गाड़ी के, बहुत ही शानदार हैं, कोई रोड नॉइज़ नहीं, विंड नॉइज़ नहीं, इंजन नॉइज़ नहीं, कुछ भी तो नहीं है यार। इसको मेरा हाईवे पे ले जाने का मन कर रहा है यार, आई विश आई कुड टेक इट टू द हाईवेज। गाड़ी खुद पुश करिए, लेके चलो हाईवे पे, चलो सर मालिक हाईवे पे ले चलो। 148 BHP कम नहीं है यार, 200 और 250 Nm का टॉर्क है गाड़ी को, ऐसे जाते हैं गोली की तरह। गलत जगह चला रहे हैं गाड़ी हम, इन रोड्स के लिए नहीं है। चलो आपको वो दिखाता हूँ, आप सुनना का सुनाई दे तो। जो ये बटन है ना, थोड़ी सी टाइट है और मोटर थोड़ी सी स्लो है मिरर की। चलिए हटिए, सुन रहे हो, मेरी अगर ये होती ना इतनी खींचता ना मैं इस गाड़ी को। चलो अपनी नहीं है इसलिए मैं ज्यादा इसे रैफ नहीं करा रहा। तो अभी वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे, और थोड़ा बहुत अभी तक का जो मैं बताता हूँ, मुझे गाड़ी बहुत ही शानदार लगी, NVH गाड़ी के बहुत ही अच्छे है, कोई आवाज़ नहीं आती बाहर की फालतू की। थोड़ा रुक के रुको, इनको जाने दो फिर बताता हूँ। क्या फोन गिरते गिरते रह गया, जो ब्रेक लगने की वजह से सामान आगे आया वो एक्सेलरेट करते वापस पीछे।
मुझे यार ये स्पोर्ट्स साउंड जो है ना बहुत ही गजब लगती है, काइंड ऑफ सेक्सी एकदम भाई साहब, आई क्रेव फॉर इट। मैं अगर ये गाड़ी लेता तो मैं मैनुअल में लेता, एक गियर में जो खींचता ना गाड़ी, बहुत गजब का एक्सेलरेशन है यार। और एकदम एक सेकंड के लिए ये नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रही है गाड़ी, यार ऑटो कंट्रोल जा रही है कैसे करें, नहीं बहुत ही एकदम रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग व्हील है गाड़ी में। यहीं घुमा लेता हूँ उस साइड, आई एम नॉट श्योर कि कैसा ट्रैफिक रहेगा। गजब के ब्रेक है, बस मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इसको एक बार पिक करके देखते हैं। वैसे नहीं, लॉन्च तो नहीं हो रही है वैसे, जैसे ब्रेक दबा के और रेस खींच के रखे वैसे लॉन्च नहीं हो रही है गाड़ी। क्या शानदार कंट्रोल है गाड़ी का, पूरे मजे। चलो चलते हैं, लेट हो रहा है भी। विजिबिलिटी में कोई इश्यूज नहीं है गाड़ी में, विंडशील्ड पूरे साइज की है और मिरर भी सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट अबाउट दिस कार। थोड़ी महंगी है, थोड़ा लोग फॉक्सवैगन या जर्मन कार्स मेंटेनेंस की वजह से नहीं लेते हैं, तो देखो महंगी तो है यार, अब पैसे चीज़ के लगते हैं, जो अच्छी चीज़ है उसी के पैसे लगेंगे, ऐसे थोड़ी ना आलतू फालतू किसी भी चीज़ के ले लिए। अगर इनको प्यार से चलाओगे टाइम टू टाइम, इनको तमीज से चलाओगे, मेंटेन करोगे टाइम टू टाइम, तो ये गाड़ियाँ आपको पैसा वसूल करके देंगी। हाँ लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो गाड़ियाँ आप GTE लिया, उन्होंने तो लिया खाली फीचर्स की वजह से, लेकिन ये गाड़ी है परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट लोगों के लिए, मतलब क्या ही तो पावर डिलीवरी है। पैडल शिफ्टर्स भी मैं यूज नहीं कर पाया क्योंकि ज्यादा नहीं कर सकते, वो करेंगे हाईवे पे किसी दिन कहे तो। चलिए रखते हैं इस वीडियो को, मतलब जैसे कहते हैं ना फोन रख रहा हूं तो रखते हैं, और अगली बार बात करेंगे इसके ड्राइविंग रिव्यू हाईवे के ऊपर। अभी इस वीडियो में इतना ही, और इस गाड़ी के ऊपर ड्राइविंग सीरीज चल रही है ऑटोमेटिक, जिनकी गाड़ी है अविनाश मिश्रा जी की, तो वो अगर वीडियोस देखनी है तो लिंक ऊपर है, मैनुअल गाड़ी भी सिखा रहा हूँ उसका लिंक भी ऊपर है। और यही कुछ था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करके करे बिना मत जाना यार, बाय, सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन Instagram too, बाय।